हेल्थ अपोलो डायग्नोस्टिक्स जो है वो अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के अंडर आती है, जो अपोलो हॉस्पिटल की 100% सब्सिडियरी है। अपोलो डायग्नोस्टिक्स पिछले 4 साल से मार्केट में है। हमने 4 साल पहले 2015 में लॉन्च किया था अपने इस डिवीज़न को, और मैं रविंद्र कुमार हूँ। मैं अपोलो डायग्नोस्टिक्स एंड अपोलो डायलिसिस देखता हूँ, ये 2 बिजनेसेस का CEO हूँ। इस बिजनेस में हमारी उम्मीद है कि हम आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर नागपुर के अंदर कुछ 10 से 12 कलेक्शन सेंटर डालेंगे, जहाँ पे टेस्टिंग यहाँ होगी। ये लैब बायोकेमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी, इम्यूनोएसे एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी करेगी, प्लस एचपीएमसी की टेस्टिंग यहीं लोकल लेवल पे होगी। नेक्स्ट 3 महीने के अंदर अंदर हमारा प्लान ये भी है कि हम यहाँ पे PCR भी लेके आएँ, जिससे कि गैस्ट्रो की जितनी भी टेस्टिंग है वो भी हम लोकल लेवल पे ही कर सकें, लोगों को सही समय पे सही टाइम पे रिपोर्ट मिल सके। अपोलो ने हमेशा विश्वास दिखाया है कि हम क्वालिटी ड्रिवन कंपनी हों, तो हमारे पास आज के डेट में 14 NABL लैब्स हैं, 2 CAP एक्रेडिटेड लैब हैं इन, और नागपुर लैब का भी हमारा प्लान है कि हम उसको NABL एक्रेडिटेड करेंगे। NGP लाइव, सोशल मीडिया की बुलंद आवाज़।